Just drop. सो हेलो एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह 10 बजे से। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वर्मा जी ऑफिस जा चुके हैं, पीहू स्कूल जा चुकी है, मैं यहाँ पे बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ये गद्दा जो है ना बहुत हैवी है, मैट्रेस जो है क्योंकि एक पूरा जुड़ा हुआ एक ही मैट्रेस है ना इसमें, तो बहुत ज़्यादा हैवी है, वही मैं इसको यहाँ पर खिसका रही थी और बेडशीट चेंज कर रही थी। आप लोग के कॉमेंट्स आए थे कि बहुत अच्छी बेडशीट की लगती है, तो थैंक यू सो मच। आपके साथ कभी शेयर करूँगी अपनी बेडशीट का कलेक्शन भी। एंड आपने जो स्टार्टिंग में देखा ना कि मैंने आपको कांच कांच पूरा दिखाया है, तो वो क्या है कैसा है सब कुछ आपको आगे व्लॉग में देखने को आज मिलने वाला है। कुछ तो हो गया था हमारे घर में जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, सो आपको अभी वो बताऊँगी। आती हूँ कैमरे के आगे, फिर मिल करके आपसे सारी बातें बताती हूँ। तो तब तक मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ, बेडिंग चेंज कर देती हूँ। जब चेंज कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, रूम एकदम फ्रेश फ्रेश सा फील होता है, अच्छा लगने लगता है देखने में भी। हाय गाइस, आप लोग जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है कुछ महीनों से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब मेरे को डर लग रहा था कि आने वाले कुछ महीनों में ऐसा ना हो कि मेरे सारे बाल गिर जाएं, मतलब झड़ जाएं। तो लेट मी टेल यू कि मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं, हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाते हैं, तो हमारा हेयर फॉल होने लगता है। एंड मुंबई में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, वेदर जो होता है वो ह्यूमिड वाला होता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। सो अ मंथ एंड अ हाफ बैक आई सॉ वीडियो ऑन सोशल मीडिया विच स्टेटेड दैट कि कैरेट सीड हेयर ऑयल जो है वो प्रिवेंट करेगा आपके हेयर फॉल को, क्योंकि कैरेट सीड में होता है अल्फा बीटा गामा एंड विटामिन ए कैरोटोनाइड्स, जो कि बालों को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करता है एंड हेयर फॉल को रोकता है। गाइज, ये देख करके मैं तो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया था रिसर्च करना इसके ऊपर, क्योंकि एनी हाउ मुझे अपने हेयर फॉल को रोकना था। देन आई फाउंड आउट अबाउट न्यू प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल। सो ये हेयर ऑयल यूज़ करने से 30 डेज में 70% हेयर फॉल कम हो जाता है। मैंने तुरंत उसी टाइम इसे ऑर्डर कर लिया और मैंने सोचा कि अब देखते हैं कि हेयर फॉल कम होगा कि नहीं। सो गाइज, ये ऑयल यूज़ करते हुए मुझे 30 डेज हो चुके हैं और अब मैं बोल सकती हूँ कि पहले के कंपैरिजन में मेरा अब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो पहले मैं हेयर फॉल मेरा इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं कॉम भी करती थी तो मेरे बालों में बहुत सारे हेयर होते थे। मैं आपको लाइव डेमो दे देती हूँ, दिखाती हूँ, ये मेरा कॉम है और अब जब मैं कॉम करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि कोई आपको सिर्फ एक बाल दिख रहा होगा। ये देखिए गाइज, यहाँ पे सिर्फ मेरा एक बाल आया है। सो पहले मेरे बाल 8-8, 10-10 बाल इतने ज़्यादा हेयर फॉल होते थे, साथ ही साथ बहुत ही फ्रिजी और रफ से रहते थे। सो अब मेरा हेयर फॉल ना के बराबर ही हो गया है, बल्कि मैं बोल सकती हूँ कि 70% से ज़्यादा हेयर फॉल रिड्यूस हो गया है। ऑब्वियसली गाइज, मैंने ऑयल के साथ साथ हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज भी करी है जिसकी वजह से मेरे बाल आज इतने अच्छे हो गए हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि इस ऑयल ने मेरे बालों में जादू कर दिया है। सो मैंने तो हैशटैग से नो टू हेयर फॉल विद न्यूड चैलेंज लिया है एंड आई हैव बीन सुपर इम्प्रेस्ड। एंड बारी है अब आपकी ये चैलेंज लेने की, सो जस्ट चेकआउट द परचेज लिंक बिलो एंड ऑर्डर नाउ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोपहर का टाइम है, व्लॉग स्टार्ट किया है आज मैंने दोपहर से। आज मैं सच बताऊँ, सुबह जब उठे थे, अभी बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली हुआ क्या, मेरी आगे की लिपस्टिक
हट गई है। तो वर्मा जी का फ़ोन आ गया था, ऐसे ही वो फ़ोन कर रहे थे मुझे। आज पीहू का ना ये ब्रेसलेट जो है खुल गया, वो हाथ में पहने रहती है, आज उससे गिर गया। सो मुझे अभी सफाई करते समय मिला। तो मैं आपको बता रही थी कि आज जब हम लोग सुबह उठे, तो सुबह उठे क्या, एक्चुअली हम लोग सो रहे थे और सोते सोते एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ हुई। जब वो आवाज़ हुई ना, तो मैं एकदम से डर गई, मतलब बहुत ज़ोर से मैं डर गई और मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया। और मैंने इनको उठाया, वर्मा जी को, मैंने कहा, उन्होंने भी आवाज़ तो सुन ली थी बट वो भी एकदम से जल्दी से उठे। और फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, घर में ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कुछ गिरा और बहुत ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई, टूट गया है कुछ, तो ऐसा हुआ। फिर हम लोग उठे, मैं तो बहुत डर गई थी, पता नहीं क्या हो गया, घर में कोई आ गया है क्या, ऐसा करके। सो एकदम धीरे धीरे हम लोग बाहर उठ के देख रहे थे कि कहीं कोई है तो नहीं, क्योंकि पता नहीं ना, सो रहे हैं अंदर और वैसे कोई था नहीं, बट फिर भी मेरे को डर लग रहा था। फिर जब हम लोग घर पूरा देख लिए, कोई नहीं था, फिर सारे वॉशरूम, हमने दोनों वॉशरूम चेक किया, तो मेरे वॉशरूम में अंदर जो अटैच वॉशरूम है वहाँ पे ये मिरर जो है वो गिर गया, हमारे जो वॉश बेसिन के ऊपर जो मिरर है वो गिर के अपने आप गिर गया, पता नहीं चला कैसे हुआ, और वो टूट गया, पूरे वॉशरूम में कांच ही कांच, कांच ही कांच। जब देखा तो फिर रात के 3 बजे हुए थे, सो तब से नींद ख़राब हो गई। और फिर एकदम से ज़ोर से उठे ना, तो मेरे चौंक के उठ गई मैं, तो मेरे ना सर में दर्द होने लगा, तब से मेरे सर में दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद भी उनको स्कूल जाना था सुबह उठ करके, फिर मैंने उसको स्कूल वगैरह भेजा, वो तैयार, वो नहीं उठी थी ऐसी आवाज़ से, वो नहीं उठी थी, वो आराम से सो रही थी। बट ये सारी चीज़ें आज हो गई। और अब वो शीशा भी टूट गया है, अब उसको शीशे को लगवाना, मिरर को लगवाना पड़ेगा। सो वही है, तो वही मैं सोच रही थी आज, पता नहीं अचानक से ऐसे कैसे हो गया है। और बैठे हुए हैं अब घर में, मैं बैठी हुई हूँ, मैं टीवी देख रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आज, मेरा मन नहीं हो रहा था कोई भी एडिटिंग वगैरह करने का, कोई वीडियो शूट करने का। एडिट तो मैंने कर लिया, आज का ब्लॉग जो है वो चला भी गया, लाइव हो गया, बट आज मेरा कोई भी शूट करने का मन नहीं था, तो मैं बस बैठी हुई थी। फिर मैंने टीवी चलाया, मैंने सोचा चलो टीवी देखते हैं थोड़ी देर, बट टीवी में भी मेरा मन नहीं लग रहा था। और अभी बस मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, थोड़ा सा बात करके ना अच्छा लगता है आप लोगों से, तो इसीलिए बताया मैंने आपको। तो आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, बताइएगा कमेंट करके, कि सोते सोते एकदम से नींद खुले और आवाज़, मतलब सोचिए कांच जब गिरता है ना, मिरर इतना बड़ा मिरर है, जब वो गिरा इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई होगी कि एकदम से हम लोग चौंक करके उड़ गए। कभी ऐसा हुआ है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। गाइस यहाँ बारिश आ चुकी है, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, आज मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा, बारिश आ गई है और बहुत तेज़ बारिश आती है, एकदम से बारिश आ जाएगी, हवा बहुत तेज़ चलती है, डर लगता है कपड़े ना उड़ जाएं कहीं। तो मुझे ये सारे कपड़े अभी यहाँ फैलाने होंगे ऊपर, ये वाले उतारने पड़ेंगे, तो मैं इनको उतार लेती हूँ। ओके, ये तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा लग रहा होगा आपको, क्योंकि केवल एक बल्ब है यहाँ पे, लाइट वाला, बहुत छोटा सा, तो इसलिए अंधेरा हो गया है, आपको अंधेरा ही दिखेगा। कपड़े उतार लूँ फिर यहाँ पे फैला दूँ, यहाँ फैले रहते हैं तो एटलीस्ट 2-3 डेज तो मैं पड़े ही रहने देती हूँ, क्योंकि हवा ही से बस सूखने होते हैं ना, इसीलिए उनको रखती हूँ पहले। जब भी पीयू के आने का टाइम होता है ना, तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, अब बस थोड़ी देर में उसका आने का टाइम हो रहा है तो बारिश स्टार्ट हो रही है। आप लोग पूछ रहे थे पीयू कौन सी क्लास में पढ़ती है, पीयू फर्स्ट में पढ़ती है। अच्छा, कल वाले ब्लॉग में ना मुझे कमेंट आ रहा था कि वीडियो के लिए झूठ बोल रही हो क्या, कि गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, क्यों झूठ बोलूंगी मैं वीडियो के लिए, अगर मुझे झूठ बोलना होता मैं टाइटल पे तो ऐसा कुछ डालती, मतलब झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे समझ में नहीं आता लोगों की सोच कि इसके लिए मुझे क्या झूठ बोलना है, और कुछ नहीं मिला मुझे झूठ बोलने को,
कुछ भी बोलते हैं लोग आके कुछ भी। ये बहुत ऊंची जगह पे है, ये जो रॉड लगी है ना बहुत ऊंचा है, तो मुझे चेयर रख के मिलता है। किसी की हाइट कम हो तो उसे तो मिल ही नहीं सकता ये एरिया कपड़े फैलाने को। ऊंचा सा एक स्टूल चाहिए होगा। देखा, बंद हो गई बारिश। बंद नहीं मतलब थोड़ा धीमे धीमे हो गया पानी, एकदम से इतना तेज पानी आता है सब कुछ गीला हो जाएगा। लाइट ऑफ कर देती हूँ, अंधेरा हो जाता है यहाँ पे। बारिश हुई नहीं कि एकदम अंधेरा। कपड़े हटा दिए मैंने, ग्रीनरी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा यहाँ पे एरिया है। ओके गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है जैसा कि आपने देखा था, और उसके बाद पीहू भी आ गई थी, फिर वो अपना खेली, मैंने उसको नाश्ता वगैरह दिया, अभी वो टीवी देख रही है। एंड मैं यहाँ पे अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल चावल, पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए, क्योंकि सुबह तो वो खाना खा नहीं पाती है अच्छे से, इसीलिए मैं उसको शाम को दाल चावल रोटी सब्जी खिलाना पसंद करती हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए अपने बॉल पे बैठ करके खेल रही है, और ये यहाँ पे वुफू वगैरह देखती रहती है थोड़ी देर। सो गाइस, पीहू प्ले कर रही हैं, और अभी मेरा एक पार्सल आया है, मैंने टॉवल मंगाई थी, ये यहाँ पे एक ये टॉवल मंगाई है। मेरी टॉवल जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो यहाँ पे इसमें ना एक हैंडल भी दिया। पीहू बेटा प्लीज थोड़ा स्लो कर लीजिए 5 मिनट के लिए। तो पीहू टीवी देख रही है। भाई ये मेरी टॉवल है, मैंने आपको दिखा दी, अभी मैं बंद कर देती हूँ, वो टीवी देख रही है। पीहू आपके स्कूटर में लाइट भी जलती है बेटू, मुझे अभी दिखाई दी। आप चलो आगे निकलो, दिखाऊं मैं, ये देखिए एक व्हील में जल रही है, एक व्हील में नहीं जल रही है। मुझे भी दिखाओ। दिखाऊं मैं? So guys, मैंने दाल रख दी है सीटी लगने को, 6:15 बज रहे हैं। खाना जल्दी बनाऊंगी क्योंकि मेरी पीहू को रात में खाना खा के सोना होता है, और आज पीहू की पसंद का बन रहा है क्या, मसूर की दाल चावल। तो जब तक दाल लगाई है सीटी के लिए, मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये सामान बहुत ज्यादा यहाँ पे भर गया है, सब निकालती हूँ और फिर सेट करती हूँ। 24 तो यहाँ पे मैं पीहू के साथ खेल खेल में उसका रिवीजन भी कराती जा रही हूँ, नंबर्स नेम और अपना काम भी करती जा रही हूँ। फिर ये देखिए मैंने सारा सामान तो निकाल लिया है, मैं इसको पहले अच्छे से डस्टिंग करूँगी, देन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फालतू का सामान है उसको मुझे हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ना देखो ना तो सामान भरता ही जाता है और क्लीनिंग तो हो ही नहीं पाती है। सो आज मैं यहाँ बैठ गई हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो देखने के बाद जो फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी मैंने निकाल दी है, और जो काम की चीज़ें थी वो मैंने साइड में रख दिया है, एकदम साफ़ हो गया है। देखिए अभी ऊपर का जो है वो थोड़ा सा मैसी लग रहा है, अभी मुझे वो भी क्लीन करना है। चलिए उसको भी जल्दी से कर लेती हूँ। देखा आपने कितनी जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके अपना सारा काम कर लिया है। एक्चुअली मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था वीडियो, एंड मेरी दाल भी यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब मैं यहाँ पे चपातियाँ बनाने जा रही हूँ, चावल भी मैंने भिगो दिया है, एंड दाल मेरी बन चुकी है। बस मुझे अभी सब्जी छौंकना रहेगा, तो एंड में मैं वो सब्जी भी छौंक लूँगी। और मेरा नमक वगैरह जो ख़त्म हो गया था वो सब मैंने सफाई के बीच में ही, जब मैं क्लीनिंग कर रही थी उसी बीच में मैंने सब भर दिया था, मतलब टॉपअप कर लिया था।
बस मैं यहाँ गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ एंड मैं पीहू को 7:30 तक डिनर दे देती हूँ, क्योंकि वो जब स्कूल से आती है तो कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐसे खाती नहीं है, केवल एक फ्रूट और दूध ही पीती है, वो भी थोड़ा सा दूध, एक कप दूध पीती है। तो मैं उसको जल्दी ही डिनर करा करके सुला भी देती हूँ, जिससे कि फिर अगले दिन उसको जल्दी सुबह उठना होता है। एक्चुअली पीहू को सुबह 6:15 तक उठ ही जाना होता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देती हूँ। मिलती हूँ कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।